आपको कैसे इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि वहां अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो पैसा है वो हर पांच साल में डबल हो रहा है अब गलती से भी किसी बीमारी की वजह से एक दिन के लिए भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो बीस पच्चीस हजार का खर्चा पक्का है सेविंग कर ले घर लेना है घर लेना है बट एक्चुअली में घर कब लेना चाहिए आपको ज्यादा रिटर्न कमाने हैं तो ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा और रिस्क ज्यादा आप तभी ले पाएंगे जब आप नई नई जॉब लगी है कंग्रेचुलेशंस काम नया है शहर नया है सोचा था घर लूंगी गाड़ी लूंगी बट लेनी पड़ रही है दोस्तों से उधारी अगर यही सिचुएशन आपकी भी है तो ये वीडियो आप ही के लिए है नमस्ते मैं हूँ नेहा नागर मैं एक फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं वीडियोस के थ्रू आपकी मदद करती हूँ आपको फाइनेंशियली अवेयर बनाने में कि आप पैसे को कैसे बचा सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं और आज की जोश टॉक आशा की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने पैसे को कैसे सही ढंग से मैनेज कर सकती हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला है सिंपल सा आपकी जितनी भी महीने की इनकम है कमाई है उसको आप तीन हिस्सों में डिवाइड कर दो फिफ्टी थर्टी ट्वेंटी तो जो पहले पचास परसेंट है वो जाने चाहिए आपके एक्सपेंसेस में वो चले भी जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा रेंट पे करना है बिजली का बिल भरना है ग्रोसरी की पेमेंट और बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस जो आपको देने ही हैं तो 50 परसेंट नीड्स में आपका चला गया अब 30 परसेंट क्योंकि आपकी अभी जॉब लगी है आप यंग हैं आपकी इच्छाएं हैं तो इच्छाएं पूरी करने के लिए आप अपनी सैलरी का सिर्फ थर्टी ही बचाए और वहां आप लगाए अब जो बाकी का बीस है ये आज के लिए नहीं है ये आपके लिए लगाना है फ्यूचर के लिए आपको पांच साल बाद घर लेना है दो साल बाद गाड़ी लेनी है आपकी शादी होनी है आपके काफी सारे एक्सपेंसेस है जो लाइफ के बड़े बड़े खर्चे होते हैं वो आने वाले हैं तो उसके लिए अपनी सैलरी का हर महीने बीस परसेंट बचाए और उसको सही तरीके से इन्वेस्ट करें तो हम फीमेल्स को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए क्यों सेव करना चाहिए इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हमें कम पे मिलता है सेम जॉब के लिए वर्क प्लेस में हमसे ज्यादा ट्वेंटी होती है सेवेंटी ईयर्स तो डेफिनेटली हम तो हमें ज्यादा जरूरत है सेव करने की इसके अलावा फीमेल ब्रेक बहुत लेती है करियर में और आधी से ज्यादा फीमेल्स प्रेगनेंसी के बाद या बच्चे के होने के बाद वापस ही नहीं आती है काम पर तो हमारे वर्किंग ईयर्स कम है तो हमारे पास काम करने का वक्त भी कम है और हमें अब ज्यादा सेव करने की जरूरत है जब से हम काम करना चालू करते हैं तभी से क्यों क्यों इन्वेस्ट करने हैं क्योंकि आपको घर भी लेना है गाड़ी भी लेनी है रिटायरमेंट भी है बच्चों की एजुकेशन भी है तो आपको ये सब ना एक्सेल शीट में लिखना है या फिर पेपर पेन पे भी लिखिए कि आपकी उम्र इतनी है अभी आप इतना कमा रही है इतने आपके खर्चे हैं और आपको आने वाले दो साल में ये काम करना है पांच साल में ये काम छह साल में ये काम दो साल में मान लीजिए आपको गाड़ी लेनी है पांच साल में आपको घर लेना है और दस साल में मान लीजिए कि आपको अपने बच्चों को फॉरन एजुकेशन में भेजना है तो वो आपका मोटा खर्चा आएगा तो अब आज से ही आप उसकी प्लानिंग चालू कर दे कि वो जो मोटे खर्चे आ रहे हैं मेरे मुझे रिटायरमेंट भी लेनी है तो उसके लिए मैं आज से ही इन्वेस्टिंग चालू करूं तो ऑनलाइन कैलकुलेटर होते हैं आप वहां पे भी जाकर ये अपनी डिटेल्स को पंच कर सकती है कि मेरे को ना रिटायरमेंट पे ना कम से कम एक करोड़ चाहिए क्योंकि मेरी रिटायरमेंट की एज इतनी है मैं अपनी लाइफ को एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मैं इतना जीऊंगी और मेरे महीने के खर्चे अभी इतने हैं और उस वक्त शायद इतने होंगे तो वो कैलकुलेटर में आप सारी डिटेल्स डालोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आज से आपको हर महीना कितना इन्वेस्ट करना है कितना सेव करना है ताकि आप रिटायर हो सके और उस वक्त आपके पास इतना पैसा हो सके तो ये गोल सेटिंग आपकी हो गई है अब आपको पता लग गया कि आपके पास इतना टाइम है इतना पैसा है और आप यंग है तो अभी आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी क्योंकि अभी आपके पास ज्यादा टाइम है उन सब चीजों को अचीव करने का और आपके पास शायद इतने ज्यादा डिपेंडेंट भी नहीं है और अगर आपकी एज बढ़ती है आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है आपके पास डिपेंडेंट बढ़ सकते हैं आपके पास टाइम कम होगा तो उस वक्त आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी फिर आप उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट कर पाओगे जहां रिस्क बहुत कम है जैसे कि एफ लेकिन अगर रिस्क कम है तो ऑब्वियसली आपको रिटर्न भी कम मिलेंगे तो अगर आपको ज्यादा रिस्क लेना है आपको ज्यादा रिटर्न कमाने हैं तो ज्यादा रिस्क लेना पड़ेगा रिस्क ज्यादा आप तभी ले पाएंगे जब आप यंग है तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आज ही अपना फाइनेंशियल प्लान बनाकर आप अपने आप को एजुकेट करो फाइनेंशियल प्लान के बारे में प्रोडक्ट्स के बारे में और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी चालू कर दीजिए तो वो जो 20% की मैं बात कर रही हूँ, वो आपको कैसे इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए कि आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए इमरजेंसी फंड मतलब कोविड जैसे सिचुएशन कभी भी आ सकती है कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपकी जॉब चली जाए या कोई भी मेडिकल इमरजेंसी तो उसके लिए आपके पास फंड्स होने चाहिए इमरजेंसी फंड वो कितना होना चाहिए आपकी जितनी मंथली इनकम है उसका सिक्स टाइम्स यानी कि छह महीने की इनकम आपके पास सेव्ड होनी चाहिए और ये ऐसी जगह आप रखें जहाँ से आप तुरंत इसको विद्रॉ कर सके जैसे कि सेविंग अकाउंट हो गया या रिकरिंग डिपॉजिट्स हो गया या लिक्विड फंड्स हो गया तो वहां से क्या है कि जैसे ही आपको जरूरत पड़ी आपने तुरंत पैसे निकाले और वो आपके काम आ गए दूसरा आपको जो स्टेप लेना है वो है इंश्योरेंस आपकी जॉब लग गई है कंग्रेचुलेशन लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें और अगर आप गलती से भी किसी बीमारी की वजह से एक दिन के लिए भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो बीस पच्चीस हजार का खर्चा पक्का है तो ऐसी सिचुएशन के बचने के लिए आप हर महीना 500 से लेकर हजार रुपये प्रीमियम पड़ता है मेडिकल इंश्योरेंस का वो ले लीजिए आपको कवर मिनिमम लेना है तीन लाख का क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन जो कि हर साल 12 परसेंट है उसकी वजह से तीन लाख का तो मिनिमम कवर आपको मेडिकल इंश्योरेंस में लेना ही है अब जो दूसरा इंश्योरेंस है वो आपको लेना है लाइफ इंश्योरेंस वो कब लेना है आप अर्निंग है आपके डिपेंडेंट है यानी कि कुछ लोग हैं आपके बच्चे हो सकते हैं आपके माँ बाप हो सकते हैं आपके हस्बैंड हो सकते हैं जो आप पर डिपेंडेंट है आपकी इनकम पर तो आप नहीं रहे तो तो आपके बाद उनका क्या होगा तो इसके लिए आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना लेना है वो कितना लेना है ट्वेंटी टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम आप कमा रही है दस लाख एक साल में तो उसका ट्वेंटी टाइम्स आप कवर ले लीजिए और उसका हर साल प्रीमियम भरना चालू कर दीजिए तो ये दो इंश्योरेंस हो गए एक आपका इमरजेंसी फंड हो गया इसके अलावा अब जितने भी आप फाइनेंशियल डिसीजन लेने वाली है लाइफ में तो उसके लिए आपको ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए कि गुड लोन क्या है और बैड लोन अब जैसे पर्सनल लोन है वहाँ हमें पे करना पड़ता है बारह परसेंट तेरह परसेंट का इंटरेस्ट रेट तो वो बैड लोन है उससे हमारी कोई इनकम भी नहीं हो रही है जबकि होम लोन अगर हम ले रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट रेट बाकी सब लोन्स के कंपैरिजन में हमेशा लोएस्ट है प्लस आप वुमेन हैं तो आपको और भी, तक और भी भी 0.5 तक कम ब्याज दर मिल सकता है अगर मेन को नाइन मिल रहा है तो आपको 8.5 परसेंट का ब्याज दर मिल सकता है तो होम लोन इज अ गुड लोन क्योंकि आप इन्वेस्ट करें रियल एस्टेट में जिसकी खुद की मार्केट वैल्यू भी बढ़ती है प्लस आपका इन्वेस्टमेंट तो वो है ही और टैक्स बेनिफिट्स भी आपको उसमें मिलते हैं तो गुड लोन और बैड लोन में आप फर्क समझिए जितना हो सके गुड लोन लेने की कोशिश करें और अगर आपने बैड लोन ले लिया है तो उसको जल्दी से जल्दी पे करें पहले और फिर इन्वेस्टिंग चालू करें डिमोनिटाइजेशन के टाइम पे हमने देखा था कि कैसे घरों से कैश निकल रहा है औरतों ने डब्बों में पैसे छुपा के रखे हुए थे तो हम नेचुरली टैलेंटेड है सेविंग करने में हम वुमेन बहुत ज़्यादा बेटर है कहाँ मल्टी में पेशेंस में और डिसिप्लिन में तो यही तीनों चीजें हैं जो हमें इन्वेस्टिंग के वक्त चाहिए होती है और अगर ये तीनों चीजें हमारे अंदर है स्किल्स है ये तीनों तो हम ज्यादा अपने पैसे को डबल ट्रिपल कर पाएंगे आप अपनी इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से अब क्या है ना स्टॉक मार्केट थोड़ी सी डिफिकल्ट आपको लग रही होगी क्योंकि अभी आप स्टॉक मार्केट के लिए नए हैं अब स्टॉक मार्केट में पांच कंपनीज है उनमें से कौन सी चूज करें कैसे रिसर्च करें ये शायद अभी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप एकदम स्टॉक मार्केट से शुरुआत ना करें वहां रिस्क भी है और आपको नॉलेज भी कम है तो आप शुरू कर सकते हैं म्यूचुअल फंड से तो आप इन इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी चालू कर सकते हैं कितने अमाउंट से पाँच सौ रुपए हर महीना करके आप अब ये मत कहिएगा कि पांच सौ रुपए नहीं है आपके पास इतना तो आप शायद वो पिज्जा खा जाते हैं तो पिज्जा मत खाइएगा इस बार इन्वेस्टिंग चालू कीजिएगा और फिर देखिएगा कि आप कितने रिटर्न कमाते हैं देखिए जितना भी पास रिकॉर्ड आप चेक करोगे ना आप चार्ट चेक कर सकते हैं निफ्टी फिफ्टी का या सेंसेक्स का तो पिछले पंद्रह साल का ऑन एन एवरेज अगर आप किसी भी पंद्रह साल का रिटर्न देखेंगे तो वो रिटर्न रहा है चौदह से पंद्रह परसेंट अब एफ आप जानते हैं एफडी में मिलता है सिर्फ छह से सात परसेंट तो दुगना रिटर्न आपको मिल रहा है म्यूचुअल फंड में तो वहां अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो पैसा है वो हर पांच साल में डबल हो रहा है और म्यूचुअल फंड सेफेस्ट है कम टाइम चाहिए रिसर्च के लिए आपको इंडेक्स फंड में तो आप हंड्रेड पैसा इन्वेस्टिंग चालू कर सकते हैं अब इसमें एक और फायदा है एफडी में क्या होता है लॉक इन होता है तीन साल का पांच साल का एक साल का बट इंडेक्स फंड में आप कभी भी अपना पैसा डालो कभी भी निकालो ऑल दो अगर आपको फोर्टीन परसेंट का रिटर्न चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा छः साल सात साल आठ साल दस साल बट केस आपको पैसे की जरूरत पड़ती है तो आपको निकालना पड़ सकता है आप अपनी टैक्स प्लानिंग भी करें अभी आप कमा रही है अगर आपकी इनकम सात लाख से ज्यादा है तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप अपने आपको टैक्स प्लानिंग के बारे में लिटरेट करें जागरूक करें कि कैसे कैसे अपना टैक्स को आप बचा सकते हैं प्लानिंग कर सकते हैं और जब आप खुद इतना फाइनेंशियली अवेयर होंगी तो आप देखिएगा कि आपके आसपास के लोग भी आपको ज्यादा कॉन्फिडेंट देखेंगे ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि अब आप कॉन्फिडेंट खुद में हैं अब आप आपको पता है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है आपको कहाँ जाना है कितनी सेविंग करनी है कितनी इन्वेस्टिंग करनी है तो आपके चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना वो आपकी बातों में झलकेगा और आपके जो आसपास के रिलेशनशिप्स है वो भी अच्छे होंगे तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ इमोशनली मेंटली फिजिकली फाइनेंशियली अच्छी हो तो बहुत जरूरी है कि आप अपने पैसों का खुद ख्याल रखें खुद को फाइनेंशियली अवेयर करें अब जैसे ही मेरी जॉब लगी थी ना मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़ गए थे दो चीजों के लिए एक तो शादी के लिए ऑब्वियसली और दूसरा घर के लिए कि सेविंग कर ले घर लेना है घर लेना है जैसे ही मेरी जॉब को ज्यादा टाइम हुआ दो तीन साल तो ये प्रेशर ज्यादा बढ़ने लगा कि घर लेना है घर लेना है तेरा खुद का घर होना चाहिए हमारा खुद का घर होना चाहिए बट एक्चुअली में घर कब लेना चाहिए अगेन जैसे मैंने गाड़ी के वक्त बोला कि AMI का प्रेशर ज्यादा होगा तो मैं अपनी लाइफ लाइफ बेटर बेटर नहीं जी अपनी के बेटर नहीं जी पाऊंगी पाऊंगी अपनी के ले तो EMI का प्रेशर कम होना चाहिए अब घर लेने के लिए भी एक थम रूल है जो फाइनेंशियल प्लानर्स रिकमेंड करते हैं इसके लिए है फाइव ट्वेंटी थर्टी फिफ्टी रूल आपकी जो घर की वैल्यू है आपकी वो एनुअल इनकम के फाइव टाइम्स से कम ही होनी चाहिए आपकी एनुअल इनकम है दस लाख और आप घर ले रहे हैं एक करोड़ का तो ये फाइनेंशियली वायबल डिसीजन नहीं है आपको घर लेना है सिर्फ पचास लाख तक का फिर आपका जो घर का डाउन पेमेंट है बीस परसेंट वो आपके पास रेडी होना चाहिए यानी कि घर लेने से पहले आपको पहले से ही प्लान करना चाहिए बजट करना चाहिए प्रिपेयर करना चाहिए तब ये डिसीजन पे आपको पहुंचना चाहिए तो जब आप प्लान कर रहे होंगे प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपके पास डाउन पेमेंट करने के लिए वो अमाउंट रेडी होना चाहिए बीस परसेंट घर की जो वैल्यू है आपके जो घर की ई है वो आपकी मंथली इनकम के तीस परसेंट से कम ही होनी चाहिए लोग अपनी सैलरी का मंथली सैलरी का सिक्सटी सेवेंटी परसेंट सिर्फ घर की ई में पे करते हैं और फिर उनको मंथ का खर्चा चलाना बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो फिर तो शायद पैसा उधार भी लेना पड़ता हो क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जैसे जिसमें हाई इंटरेस्ट है वो भी यूज करना पड़ सकता है तो इसलिए जरूरी है कि आपकी जितनी मंथली इनकम है उसके तीस परसेंट तक ही होम लोन की ई हो तो डेफिनेटली होम लोन इज अ गुड लोन आपको लेना चाहिए बट कब तभी तब ये रूल फिट हो रहा हो तब तो जब हम कमाना स्टार्ट करते हैं ना तो हमें लगता है कि यार अब ना अपग्रेड करते अपने आप को बट अपग्रेड कब कर, कैसे करना चाहिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए तो जो सबसे ज्यादा कॉमन दिखता है यंगस्टर्स में हम में हम सोचते हैं कि गाड़ी ले लेते हैं क्योंकि अगर हम गाड़ी लेते हैं तो हमें लगता है कि यार कन्वीनियंट भी हो जाएगा अपने लिए आना जाना भी और एक तरीके से जो बचपन से हम सोचते हैं कि हाँ अपनी गाड़ी होना बहुत बड़ी बात है तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि गाड़ी से हम इमोशनली कनेक्टेड ज्यादा होते हैं राधर देन कि हम सिर्फ पैसों के बारे में सोचे कि इतना पैसा चला जाएगा बट आप गाड़ी ले सकते हैं गाड़ी लेना अच्छा डिसीजन हो सकता है आपके लिए बट टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कब लेनी चाहिए इसलिए नहीं कि आपके बाकी जो दोस्तों की जॉब लगी थी उन्होंने भी गाड़ी ले ली है और आपने नहीं लिए आसपास में सबके पास गाड़ी अब तो आप कमा रहे हो तो आपके पास भी होनी चाहिए इसलिए नहीं जब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपको अप्रूव करेगी कि हाँ अब आप गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं बिना बिना किसी किसी टेंशन के बिना किसी, आ, की प्रेशर के के प्रेशर तो आप गाड़ी लें अब इसको चेक करने के लिए क्या हम कर सकते हैं आप गाड़ी लेना अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं इसके लिए एक फॉर्मूला है ट्वेंटी फोर टेन तो गाड़ी लेते वक्त आपके पास बीस परसेंट डाउन पेमेंट तो होनी ही चाहिए आप जितने की भी गाड़ी ले रहे हैं मान लीजिए दस लाख की तो बीस परसेंट आपके पास डाउन पेमेंट होना चाहिए आप जो लोन का टेन्यूर लेंगे तो जो बैड लोन से उनका जो टेन्योर है वो कम हो उतना ही बेटर है तो चार साल का ही इसका आपका लोन का टेन्योर होना चाहिए और आपकी जो गाड़ी की ई है वो आपकी मंथली इनकम के दस परसेंट से कम ही होनी चाहिए यानी कि अगर आप दस लाख कमा रही हैं तो दस परसेंट यानी एक लाख ही आपकी ई से कवर होना चाहिए उससे ज्यादा होगा तो आपकी जो बाकी चीजें हैं वो बिगड़ जाएगी जो मैंने फिफ्टी थर्टी ट्वेंटी बोला था कि आपको फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है विशेज आपकी मंथली एक्सपेंसेस तो अगर वो ई का प्रेशर नहीं होगा तो आप लाइफ बेटर जी पाएंगे और बाकी डिसीजन अपनी लाइफ के बेटर ले पाएंगे कौन से डिसीजन शादी के या चाइल्ड प्लानिंग के करियर प्लानिंग के आप किसी और सिटी मूव करना चाहते हैं फैमिली का कोई डिसीजन होगा वो तभी सही आप ले पाओगे जब आपके पास वो ईएमआई वाला बर्डन ज्यादा नहीं होगा तो अगर आपकी ईएमआई गाड़ी की दस परसेंट ही है आपकी मंथली इनकम के तो आप गाड़ी ले सकते हैं क्योंकि आप इजीली बाकी इनकम से अपनी बाकी चीजें कवर कर सकते हैं तो फर्क नहीं पड़ता अभी आपकी एज बीस है तीस है या चालीस है जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना बेनिफिशियल होगा अपना फाइनेंशियल प्लान बनाओ उसी के अकॉर्डिंग लो और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने की कोशिश करो तो मैं हूं हूं नेहा नागर मिलती आपसे अगली किसी वीडियो में तब तक के लिए देखते रहिए जोश टॉक आशा मुझे यकीन है कि ये टॉक सुनने के बाद हमारे मन में भी एक जोश उठा है हम भी अपनी मेहनत की कमाई को इन्वेस्ट करके उसको डबल कर सकते हैं अब ज्यादा कमाई करेंगे तो खर्चा भी करेंगे अगर ऐसे ही हर खर्चे पर भी आधा पैसा वापस मिले तो आप फ्लिपकार्ट मित्रा एमेजोन नाइका जैसी वेबसाइट पर तो खर्चा करते ही होंगे कैश करो ऐप आप पे आपको इन सभी वेबसाइट पर और अन्य 1500 ब्रांड्स पर 50% तक का कैशबैक मिलता है हमें बस कैश करो ऐप पे जाना है वहाँ से फ्लिपकार्ट या अन्य कोई भी ब्रांड सिलेक्ट करना है हमें हर बार की तरह ही शॉपिंग करनी है, लेकिन इस बार मिलेगा कैशबैक। ये कैशबैक आपके हर शॉपिंग पे मिलेगा, और वो कैशबैक होगा सभी ऑफर्स, डिस्काउंट, सेल्स या स्पेशल ऑफर्स के डिस्काउंटेड अमाउंट के ऊपर। ऑर्डर प्लेस करने के बाद ये सारा कैशबैक आपके कैश करो वॉलेट में ऐड हो जाएगा जो कंफर्मेशन पे आप बहुत आसानी से अपने अमेजोन पे फ्लिपकार्ट गिफ्ट कार्ड या बैंक अकाउंट में भी सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं तो ये आदत डाल लो पहले कैश करो पे आओ यहाँ से किसी भी साइट पर जाओ और अनलिमिटेड सेविंग्स पाओ तो कैश करो ऐश करो क्लिक ऑन द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड कैश करो ऐप नाउ